जानकारी लेते हैं कि आज इनका धरना प्रदर्शन करने का क्या कारण है। मैडम आपका नाम? जानकी जी। जानकी। जानकी जी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? और हमारा प्रमोशन भी रुकी है सर। हमारे अपनी कुछ डिमांड्स हैं, लाइक सेवंथ पे कमीशन की जो रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशन है उसके अगेंस्ट में, एंड प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसी के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर आए। क्या ऐसी डिमांड है आपकी जो ये सरकार पूरा नहीं कर रही है? लाइक इट्स बीन अराउंड 11 ईयर्स दैट नोबडी हैज गॉट प्रमोशन, थिंग्स रिलेटेड टू दैट, लाइक द एपीआई स्कीम, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, उसको लाइक फुलफिल कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। आई मीन नोबडी इज गेटिंग प्रमोशन, सो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। मैडम आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद आपका धरना प्रदर्शन करने का? ये हम थोड़ा सरकार में और यूजीसी में दबाव डालना चाहते हैं कि हमारे जो पे कमीशन का जो रिकमेंडेशंस आया वो बहुत ही नेगेटिव रिकमेंडेशंस है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डीलिंग सर्टेन अलाउंसेस फ्रॉम यू नो द हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, द कंडीशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एट स्टेक बिकॉज दे आर सेइंग 30% फंड शुड बी यू नो जनरेटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस, व्हिच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि 30% फंड कैसे जनरेट करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास ना ये इस तरह से फीस बढ़ा सकते हैं और ना हम कोई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस इस तरह से चालू कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक फंडेड एजुकेशन के कोई मीनिंग होना चाहिए, जो कि अभी ये सरकार का जो मकसद है कि पूरा पब्लिक फंडेड एजुकेशन को ख़त्म करना। मैम ये पीएचडी और एमफिल में जो इंक्रीमेंट वगैरह होता था, क्या वो अब होता है या बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने बंद कर दिया। अब जो सेवंथ पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन आया है उसमें पीएचडी और एमफिल करने के बाद जो इन सर्विस जो लोग करते थे उनको जो इंक्रीमेंट मिलता था, विच वॉज अ ग्रेट इम्पेटस फॉर पीपल टू डू द पीएचडी एमफिल, बट दे हैव जस्ट स्टॉप्ड इट। दे सेड द रिकमेंडेशन इज दैट नो पीएचडी और एमफिल इंक्रीमेंट इन सर्विस। मैडम आपका नाम? जया रे। आई एम डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी लक्ष्मीबाई कॉलेज।